हेलो बच्चों, आई वेलकम यू टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। आज हम लोग नीट 2020 के लिए चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है व्हेन 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, -1.6 कूलम, +1.6 कूलम, 10 टू द पावर 19 कूलम, 10 टू द पावर -19 कूलम। सो याद रखिए, कोई गेसिंग नहीं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके, सो आपको क्या दिया गया है पहले हम वो देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, तो आपको पता है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो राइट दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये आपको पता है, E इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, सो उसको भी लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, दैट इज N इक्वल्स टू 10 टू द पावर 19। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है। सो यू कैन राइट नेगेटिव चार्ज रिमूव्ड ठीक है। तो अब चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिए। तो चार्ज क्वांटाइजेशन फॉर्मूला क्या था, क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए, 10 टू द पावर 19, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 10 टू द पावर -19 और ये 10 टू द पावर +19, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, -1.6 कूलम। तो कितना चार्ज रिमूव किया गया, यहां से हमें पता चल रहा है कि -1.6 कूलम चार्ज रिमूव हो गया है। अब चूंकि जो मेटल प्लेट था वो न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल प्लेट से -1.6 कूलम चार्ज अगर निकाल लिया जाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर +1.6 कूलम चार्ज आ जाएगा। सो देयरफॉर द मेटल प्लेट acquire charge equal to +1.6 कूलम। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो आपको दिया गया है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ओके, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों से कितना आयंस मिसिंग है, इन दोनों से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है हर एक आयंस से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ईच आयन। ठीक है, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड
फ्रॉम ईच आयन. देन क्या होगा? और चूंकि दो दोनों पॉजिटिवली चार्ज जो हैं वो इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं, सो हम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना चार्ज होगा इनके ऊपर? N इलेक्ट्रॉन्स हमने माना है कि मिसिंग है, तो N इलेक्ट्रॉन्स और हर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने चार्ज होते हैं? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. फोर्स कितना है इन दोनों के बीच? फोर्स ऑफ रिपल्शन 3.7 × 10⁻¹⁹ न्यूटन. और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है सेपरेशन? आर आपके पास दिया गया है 5 एंगस्ट्रम. एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है? 5 × 10⁻¹⁰ मीटर. ठीक है, तो आइए अब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है हर एक आयन से. सो नाउ फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या है आपके पास? एफ इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻¹⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सो एफ की वैल्यू क्या है आपके पास? 3.7 × 10⁻¹⁹ इक्वल टू 9 × 10⁻¹⁹. Q1 Q2 की वैल्यू क्या है? 9 n × 1.6 × 10⁻¹⁹. तो ये क्या हो जाएगा? n × 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर हो जाएगा, जो Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, डिवाइडेड बाय 5 एंगस्ट्रम. 5 एंगस्ट्रम का मतलब है 5 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए. कैलकुलेट करेंगे आप, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एन की जो वैल्यू आएगी आपको, एन इक्वल टू 2 आएगा. कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि आप कैलकुलेशन करना सीखें. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर लेकर जाना है. आप देखेंगे एन इक्वल टू 2 आ जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? करेक्ट ऑप्शन इज सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 μC एंड +6 μC रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 N. इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 μC देन न्यू फोर्स विल बी. आपके पास चार ऑप्शन है, +4 N, 3 N, 48 N और -4 N. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. सो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यू हैव एफ इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 +2 μC है और Q2 +6 μC है, और इनके बीच का जो फोर्स है F वो आपके पास 12 N दिया गया है. ओके, और R मान लेते हैं कि ठीक है कांस्टेंट है जो भी कुछ है डिस्टेंस दोनों के बीच का. अब जब उसके आप उसको एडिशनल चार्ज दे रहे हैं -4 μC, तो फोर्स ऑफ कोर्स चेंज होगा. ठीक है, फोर्स तब क्या हो जाएगा? नाउ द फोर्स विल बी F′ = 1/4 pi epsilon naught. मान लेते हैं नया चार्ज Q1′ और Q2′ अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, याद रखिए R जो है आपका वो सेम है. ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है वह मान रहे हैं कि सेम. तो F मुझे दिया गया है, F की वैल्यू है 12 N. Q1 की वैल्यू है +2 μC, Q2 है +6 μC,
ओके, क्यू वन डैश और क्यू टू डैश भी आपको मालूम है। क्यू वन डैश क्या हो जाएगा, क्यू वन डैश विल बी 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम को ऐड कर दीजिए, फिर 6 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम को ऐड कर दीजिएगा तो क्यू टू डैश आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास हैं, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन टू, तो मैं कह रहा हूँ कि आप सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, एफ डैश बाय एफ इक्वल्स टू, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सो यू आर लेफ्ट विथ क्यू वन डैश इंटू क्यू टू डैश डिवाइडेड बाय क्यू वन इंटू क्यू टू। ठीक है, तो क्यू वन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 माइक्रोकूलम, मतलब और उसमें 4 -4 माइक्रोकूलम ऐड करेंगे तो 2 -2 -4 इंटू क्यू टू डैश कितना हो जाएगा, +6 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, तो 6 -4 अपॉन ये कितना आ जाएगा, क्यू वन इज 2 माइक्रोकूलम और क्यू टू इज 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम में ही है तो हम यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू 2 -4 इज -2 -2 एंड 6 -4 इज 2, तो दिस विल बी -4 अपॉन 12। ठीक है, ओके, सो और एफ डैश अपॉन एफ से आपके पास एफ डैश की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, सो एफ डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा -4/12 इंटू एफ, और तो ये क्या हो जाएगा, -4/12 इंटू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12 न्यूटन दे रखी है, तो 12 × 12 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, नया फोर्स एफ डैश इक्वल्स टू -4 न्यूटन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस ईच ऑफ +1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस बी एफ देन द नेट फोर्स ऑन ईच चार्जेस। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, √2f, 3f, √3f और 2f। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कोशिश हमेशा कीजिए कि जिस प्रॉब्लम में फिगर है तो उस फिगर को ड्रॉ करें। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, और यहाँ पर हर एक के ऊपर कितना चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम का चार्ज हर एक कॉर्नर पे है, +1 माइक्रोकूलम। कोई भी 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो आपको दिया गया है कि एफ है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों चार्जेस के बीच का, सपोज कर लिए कि हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, कितना है, एफ है। ठीक है, रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, ऑफ कोर्स ये भी जो होगा आपको एफ ही है। ठीक है, और ये भी रिपेल करेंगे क्योंकि ये भी दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इसलिए रिपेल करेंगे। ओके, तो नेट फोर्स जो है वो कितना होगा, ठीक है,
अगर ये 60 डिग्री है तो आप देखिए यहाँ से ये भी जो होगा वो आपका 60 डिग्री होगा, और चूंकि ये भी एफ है और ये भी एफ है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऑफ कोर्स वो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि दिस इज आर, ठीक है, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये होल एंगल याद रखिए। तो मुझे आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे आप, तो आर निकालने के लिए वही वेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तो रिजल्टेंट आर विल बी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस, फिर से एफ स्क्वायर क्योंकि दोनों एफ एफ है, प्लस 2 f × f × कॉस थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विच इज 2, चलिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 f² × कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद होगा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 3 f². तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू √3 f, ठीक है। सो एफ इन दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो एफ है, लेकिन किसी भी एक चार्ज पे दो अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स जो चार्ज के ऊपर होगा वो क्या होगा, √3 f होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन इच अदर, देन द डिस्टेंस आर डैश एट विच दीज चार्जेस विल एग्जर्ट द सेम फोर्स इन ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस आर है और वो एक दूसरे के ऊपर एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अब उन्हीं सिस्टम ऑफ चार्जेस को, दो चार्जेस को आप किसी दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं जहां पे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो नया क्या होगा उनके बीच का डिस्टेंस, कि उनके बीच जो फोर्स है वो सेम फोर्स एक्ट करे, ठीक है। तो और हमने मान लिया कि जो नया डिस्टेंस है वो उन्होंने दे रखा है कि आर डैश है, तो वो आर डैश निकालना है कि आर डैश क्या हो कि उनके बीच जो फोर्स है वो एफ ही लगे, ठीक है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इन एयर क्या होता है, एयर एयर में फोर्स क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इन एयर क्या हो जाएगा, तो अगर ये एफ है इक्वल्स टू 1/4 π ε0, मान लेते हैं कि जो तो पॉइंट चार्जेस है वो Q1 Q2 है, Q1 × Q2 / r², ठीक है। सो दूसरे मीडियम में जब इसको लेकर के जाएंगे आप, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स फोर्स इन मीडियम क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स सेम रहे, तो यहां पर भी जो फोर्स होगा वो सेम ही होगा, 1/4 π ε0, लेकिन चूंकि मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको दे रखा है वो के है, तो यहाँ के से भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और चूंकि चार्जेस तो सेम ही है Q1 × Q2, और डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस सपोज दैट इज आर डैश स्क्वायर,
ठीक मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। चूंकि दोनों फोर्स कह रहे हैं कि सेम है, तो वन और टू को जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग वन एंड टू, तो ये क्या देगा आपको, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर डैश स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू भी कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ से वन अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ से ये आ जाएगा वन अपॉन के आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो आर डैश स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाइए, आर स्क्वायर को यहाँ लेकर चले जाइए, तो क्या बचेगा आपके पास, सो यू हैव नाउ आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय के। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर बाय के, दैट इज आर डैश इक्वल्स टू आर बाय अंडर रूट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरी मीडियम में जब आप दोनों चार्जेस को लेकर जाएंगे, तो अगर उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आर बाय रूट के इक्वल टू होगा, तो फोर्स जो है उन दोनों के बीच सेम होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर बाय रूट के, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और ये तीनों इक्वल हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। आपसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन टू एंड एफ वन थ्री इज, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 फिगर में देख रहे हैं, तो आपसे इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स और इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, चूंकि ये एक स्क्वायर है तो हम मान लेते हैं कि सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज समथिंग ए, सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, अगर ये ए है, ये लेंथ ए है, तो ये डायगोनल क्या होगा, आपको मालूम है अगर लेंथ ए है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली निकाल सकते हैं, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, रूट टू ए आ जाएगा। ठीक है, सो अब आप एफ वन टू निकाल लीजिए, फोर्थ बिटवीन वन एंड टू सेकेंड चार्ज, तो एफ वन टू क्या होगा, एफ वन टू विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू, और ये तीनों चार्जेस क्योंकि सेम है, ठीक है, इक्वल है, जस्ट वन मिनट, क्यू वन इंटू क्यू टू बाय ए स्क्वायर, क्योंकि तीनों चार्जेस सेम है तो हम मान लेते हैं कि क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री इज इक्वल टू समथिंग क्यू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज, ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू थ्री अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, डायगोनल के इक्वल टू था, तो ये हो जाएगा रूट टू ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू थ्री, अगेन क्यू के इक्वल टू है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें एफ वन टू और एफ वन थ्री का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एफ वन टू अपॉन एफ वन थ्री क्या हो जाएगा, ये एफ वन टू क्या आया था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एफ वन थ्री कितना आया है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आप देखिए ये टू आ जाएगा, तो क्या आ गया इन दोनों का रेशियो, सो एफ वन टू, सो आपके पास क्या आ गया है, एफ वन टू अपॉन एफ वन थ्री इक्वल्स टू टू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है डी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, आप ये सारे प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स आपके डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ओके, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, थैंक यू।